इस विधानसभा के चुनाव में मैंडेट था भाजपा शिवसेना का, लेकिन बड़ी पार्टी थी भाजपा और मुख्यमंत्री का मैंडेट था देवेंद्र फडणवीस जी को, उनकी स्वयं एक योग्य मुख्यमंत्री और एक ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि, उन्होंने वैसे ही सरकार चलाई थी 5 साल में जहां कोई घपले नहीं हुए थे और राजस्थान और मध्य प्रदेश के कांग्रेस शासन में कुछ महीनों में क्या हो रहा है आपने देखा। इसके अलावे मुख्यमंत्री के रूप में पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रचारित हुआ था। शिवसेना को जिताने में भी भाजपा समर्थक मतों का ही बहुत बड़ा अंश था। इट हैज टू बी नोटेड दैट इन द सक्सेस ऑफ द शिवसेना कैंडिडेट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ देवेंद्र फडणवीस बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर एंड द सपोर्ट बेस ऑफ बीजेपी ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल। चुनाव सामने में था, नतीजे सामने आए थे, किसके इशारे पर? शरद पवार का पब्लिक स्टेटमेंट है कि हमें अपोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है। कांग्रेस का भी यही टिप्पणी रही है कि हमें अपोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है। तो एकाएक ये अपोजिशन में बैठने का मैंडेट कुर्सी के लिए ब्रांच फिक्सिंग कैसे हो गया? तो कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है। मतलब जब शिवसेना स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर अपने 30 साल की दोस्ती तोड़ दे और घोर विरोधी उनके विचारधारा के एनसीपी और कांग्रेस का दामन थाम ले तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। जहां अजित पवार भी बैठे हुए उस चर्चा में पूर्ण, और अगर एक स्थायी सरकार के आग्रह पर देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में अजित पवार के साथ बड़ा तबका आकर सरकार को सहयोग देने का निर्णय करता है तो लोकतंत्र की हत्या है। मुंबई हैपेंस टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र द बिग स्टेट। ये चोर दरवाजे से देश के वित्तीय राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश की। इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी टू कंट्रोल द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री नेमली मुंबई थ्रू बैकडोर। ये थी सही बात।